आगे फोटावा देख के जियो ही होगे करे जावा, अगे गम में रंग पियो ही होगे करे जावा, आगे फोटावा देख के जियो ही होगे करे जावा। बहुत अच्छा भीम अलवेला जी से आपका कैसे मुलाकात? देखिए भीम भैया, डील और प्लस जो डील दार, डील प्लस जोड़िएगा डार में तो डीलदार हो जाएगा। अच्छा। तो भैया बचपने से डीलदार आदमी है, बचपन से डीलदार आदमी। जब से हम 5 साल से मिले हैं तब से आज तक छोड़ने का मौका हमको डील पे नहीं लगा। आप भी साथ में देख सकते हैं, इंडियन निक्स वाले भैया जी हैं और नीतीश भाई हैं, और आज जो है हम लोग जो है हलचल म्यूजिक वर्ल्ड में आज मौजूद हैं, और भीम भैया देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। तो भैया जी थोड़ा सा आप जानकारी लें, एक बार मुलाकात हम किए थे तो इंडियन निक्स वाले साथ में हम लोग लेके आए, थोड़ा सा बात करेंगे, बात कीजिए भैया। आप बोलिए। सबसे पहले स्वागत है भैया हमारे चैनल पे। जी नमस्कार प्रणाम। जितने भी हमारे श्रोतागण हैं इंडियन मिक्स देखने वाले सभी को लव यू दिल से प्रणाम। अच्छा क्वेश्चन करिए। तो भीम भैया जी आपके बारे में थोड़ा सा हम देखें कि यहाँ पे तमाम आपके स्टूडियो में बहुत सारे कलाकार लोग आते हैं, बहुत सारे दूर दूर के कलाकार आ रहे हैं, नवादा नवादा का हम भी देखें, और सूरज सागर इतना भी नहीं, सूरज सागर जी भी आप ही के स्टूडियो में देखते हैं कि बराबर यहाँ पे मुलाकात होता है, ये कैसे संपर्क हुआ जी? इससे बहुत पहले से हमको मुलाकात है और चिन्ह परिचय है, तो हम सोचें क्यों ना इसको अपने पास बुलाया जाए। कैसे सब ये लगा पहले? अभी कितने दिन पहले आपसे बिछड़ चुका था ये बताया कि हम लोग बचपन से ही साथ में काम करते थे, तो बीच में कैसे बिछड़े? बीच में बिछड़े नहीं, बट जैसे कि होता है घर में कि हर कोई को सपोर्ट करना नहीं पसंद करते हैं, तो इसी वजह से बोला गया था। इनका पापा बोल रहे थे कि ये सब लाइन से तुम छोड़ दो। स्टूडियो खोलने का मकसद क्या था? जैसे कि हम बहुत दिन से चला रहे थे, किसी का स्टूडियो में काम कर रहे थे, तो यानी कि होता है कि बार बार ठोकर खा रहे हैं, तो सोचे क्यों ना अपना किया जाए। कितने जगह सर आपने अभी तक जो इस लाइन में ठोकर खाए हैं? मान लिया जाए तो ये दूसरा जगह चल रहा है, अब तीसरा जगह अपने से एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताएंगे कि आप लोग कलाकारी लाइन में कितने दिनों से हैं? आपका क्या संघर्ष का क्या हम क्या बताएंगे? लगभग हम कलाकारी लाइन में 16-15 से जुड़े, 2016-15 से है ना। अच्छा तो अभी तक जो है आपने कितने गाने को गा लिए हैं सर? अभी आप क्या एक म्यूजिक भी बनाते हैं, देखते हैं म्यूजिक डायरेक्टर भी आप हैं और गाना भी गाते हैं, दोनों काम करते हैं जी। तो मेरा गाना खुद का अगर माना जाए तो वही 10 से 15 गाना होंगे। अच्छा। और उसके बाद रिकॉर्डिंग मिक्सिंग तो ढेर सारा किया। इतना बड़ा मतलब राइटर कैसे मतलब कॉन्टेक्ट हुआ सूरज जी से? जैसे कि इससे पहले हम किसी स्टूडियो में काम कर रहे थे, उसका नाम था स्टार म्यूजिक जमुई। अच्छा, अच्छा। तो वहीं शायद एक बिट्टू यादव सिंगर के माध्यम से उनको गाना देते रहे थे। अच्छा। तो उसी वजह से यहाँ आया था, तो खुद से बोले थे सूरज जी कि या हम भी गाना उन्होंने गाना पसंद करते हैं, तो वहीं से शुरुआत हुआ। अच्छा आप भी गाना लिखते हैं क्या? नहीं हम गाना वगैरह उतना नहीं, लेकिन हाँ कुछ 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 पॉइंट मतलब देते हैं, है ना जी। आपका भी मेन रोल क्या रहता है स्टूडियो में, आप किस तरीके से लोगों को हेल्प करते हैं, डील करते हैं? मेरा यानी कि खुद का आप मानिए तो एक तरह से प्रोप राइटर भी आप समझ लीजिए। अच्छा। उसके बाद रिकॉर्डिंग मास्टरिंग तो ही है। गाना आप गवाते हैं, मैंने लय बताते हैं किस तरीके से गाना है, उसका सब चीज़ आप देते हैं जी। हम गाते नहीं, हम मार्केटिंग से लेकर बड़े बड़े स्टेज स्टार रात में जग क्या हैं, जो कि बेगूसराय कार्यक्रम था टीपू, हमारे टीपू भैया टीपूलाल यादव इतना बढ़िया गाते हैं, इतना सुंदर गाते हैं, जो कि उसका कार्यक्रम बेगूसराय में उसी का कार्यक्रम रहता है। अच्छा। और बेगूसराय क्या देवघर हो गया, धनबाद हो गया, हर जगह उसी का मांग रहते हैं। अभी भी जाकर देख सकते हैं टीपूलाल यादव दिलदार आदमी है, इसमें बोलने का बात मेरा मन ऐसा लगता है टीपू भैया के साथ काम करके बहुत बहुत दिल खुश हो जाता जी, जी, जी। और आप देखिएगा गाना भी आ रहा है, उसका गाना इतना हो रहा है जो कि पब्लिक नहीं देख रहा है, एक बार देखेगा पब्लिक तो फिर मार्केट में टीपू भैया को पूरा सपोर्ट मिलेगा और हर लोग गाना सुनेगा। एक बीच में सर आपसे थोड़ा सा रोकेंगे हम, एक सवाल आपसे छोड़ेंगे टीपू भैया, और हमारे भीम भैया जो आज हैं जो हमारे दिलदार आदमी हैं, जब से मिले हैं तब से दिल खुश रहता है, साथ में भी रहते हैं। हमारा भीम भैया आपसे मतलब कि स्टूडियो और ये हलचल भी कितना मतलब खर्चा भी हो जाते होंगे और कितना इनकम हो जाते हैं? अभी तो देखिए मेरा न्यू ही चैनल है। अच्छा। मान लिया जाए तो वही लगभग 8 से 10 हज़ार तक के चैनल से आ जा रहा है फिलहाल। अच्छा खर्चा मतलब कि निकाल जाते हैं जितना से परिवार चल सके जी। बाकी तमाम देखने वाला वीडियो हमारे ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। जय हिंद जय भारत। चलिए जय हिंद जय भारत साथियों, जैसा भी लगे वीडियो आगे शेयर भी करेंगे।